ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वितीय अध्याय प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग का विषय, 31 से 38 श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, 39 से 53 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय, 54 से 72 श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन है। संजय उवाच, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिरकरम अर्जुन। क्लैव्यम मा समगमः पार्थ नैत त्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुमको इस विषमस्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुनोवाच, कथम भीष्महम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोतस्यामी पूजा रहावरी सूदन। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीषम पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तं भेक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन हैव भुंजी और भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। ना चैतत विद्मा कतरन नोगरियो यदवा जयम यदि वा नो जयहु याने भत्वा न जी जीव शाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त्राष्ट्रः। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कारुपर्ण दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे आस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। ना ही प्रपश्यामि ममाप्लुद्याद यच्छोक मुच्छो शर्मिंद्रियाणाम अवाप्य भूमाप सपतन वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच, ए मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न युतस्य इति गोविंदं मुक्त्वा तूष्णीं भवोवा। संजय बोला, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के पति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न भारत सेनयोर भयोर मध्ये विशीदन्त मिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, अशोच्या नन्नु शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है,
परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनादिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास तांस्त तिक्षि स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथ्यन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टो अंतस त्वन्योस्तत्व दर्शभि। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो असितत्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अवश्यास्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवंति में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान के जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हंति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमद्मव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात इति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो अपराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्येवच नित्या सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातन। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह आत्मा अक्लेद्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते
तस्माद् देवं विदित्वैनं नानु शोची तुमरहसि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अच्चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचि तुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जनमृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और यह भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर इस विषय में क्या चिंता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैन मान्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तुमर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पि तुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अथ चेत् तुमिमं द्रम्यं संग्रामं न कृष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्यष्यन्ति तेव्याम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भयाद्रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्येषि लाघवम्। और जिनके लिए तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवा हितः निंदन्तस्तु सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नकुञ्ज। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्माद्दुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चयः। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय को लाभ हानि और दुख सुख समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।
एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसको अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है, इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा हन्यंताश्च बुद्धो अव्यवसाय नाम। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पतां वाचम प्रवदन्त्य विवश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वरी गतिं प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्म प्रायण हो। यहां अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो असत्व कर्मणि। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति न होवे। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व भाव बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए हे धनंजय समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगायुजस्व योगा कर्म सुकौशलम। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मिनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है।
क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति त्रिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधाव चला बुद्धि तदा योगम ववाप्स्यसि। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगस्य प्रहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धिर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र निवस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहत है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशः इंद्रियाणिन्द्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही वह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता है और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के लिए भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं, तानि सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूड भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। राग द्वेष व्यक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोहयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चर्ताम् यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर् नावम् इवाम्भसि। और हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है, फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सनिशा पश्यतो मुनिः। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामि। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःसिप्रहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ वर्तता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्याय। हरिओम तस्सत् हरिओम तस्सत् हरिओम तस्सत्।